इस लॉकडाउन में जहां सारे कामकाज बंद हैं, वहीं इस स्थिति में बाइक चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय उठा है। गोड्डा के पटेल नगर में आज एक बाइक JS17G0112 नंबर की हीरो की स्प्लेंडर चोरी हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों से जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतों की राशन दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री की जा रही है एवं ग्राहकों से मनमानी राशि वसूली जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त श्रीमती किरण पासी के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी महागामा श्री अरविंद देवाशीष टोपो तथा कार्यपालक दंडाधिकारी महागामा श्री एजाज आलम द्वारा आज महागामा क्षेत्र के कई खुदरा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थ क्रय कर रहे लोगों से बातचीत कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए एवं सामानों का क्रय विक्रय खरीदने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो अपने दुकानों के सामान खाद्य पदार्थ का रेट चार्ट लगाएं और उसी के अनुसार विक्रय करें। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उप विकास आयुक्त गोड्डा श्री सुनील कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोड्डा अशोक कुमार चोपड़ा ने मेडिकल टीम के साथ कस्तूरबा बालिका विद्यालय गोड्डा क्वारंटाइन सेंटर मोतिया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार ने कहा कि क्वारंटाइन में रहने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों के अद्यतन स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है ताकि उनमें अगर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो अविलंब आइसोलेशन सेंटर में भेजने तक COVID-19 की जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। दिनांक 4 अप्रैल यानी कि शनिवार को महागामा प्रखंड के बाजार एवं विभिन्न पंचायतों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने छापेमारी कर वस्तु के रेट लिस्ट की जांच की। उपायुक्त गोड्डा श्रीमती किरण पासी के अवकाश के उपरांत पद ग्रहण कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थाना प्रभारी को प्रत्येक प्रखंड थाना पंचायत स्तर पर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अभियान को तेज करने का दिशा निर्देश भी दिया गया। 4 अप्रैल को अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री संजय पीएम कुजूर के निर्देश पर अल हिंद वेलफेयर फाउंडेशन रानीडी गोड्डा के द्वारा रानीडी एवं आसपास के गांवों में जरूरतमंद गरीबों के बीच 15 पैकेट राशन एवं 20 लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही साथ कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां भी प्रदान की गई। बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एवं अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, इसका संदेश भी दिया गया।